हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हलवा स्टाइल चमचम रेसिपी। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है दोस्तों, आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए दोस्तों, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमें एक भगोना लेना है। भगोने के अंदर दोस्तों हमें आधा लीटर के लगभग पानी डाल देना है। पानी को दोस्तों हमें एक बार अच्छे से गर्म कर लेना है। हमारा जो पानी दोस्तों उसमें एक बार हमें उबाल आ जाने चाहिए। सो दोस्तों, हमारा जो पानी है वो उबल चुका है। जैसे ही दोस्तों हमारा पानी उबल जाता है, उसके बाद दोस्तों हमें इसमें दूध डाल देना है। दूध को डालकर दोस्तों गर्म कर लेना है। हमने यहाँ पर दोस्तों 2 किलो दूध लिया है और दोस्तों हमने यहाँ पर जो है गाय का दूध लिया है। सो दोस्तों देखिए, हमारा जो दूध है वो उबल चुका है। अब हम दोस्तों यहाँ पर फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम दोस्तों दूध को फाड़ेंगे। फाड़ने के लिए दोस्तों हमारा जो दूध है वो ज़्यादा गर्म है, हम इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे। ठंडा करने के लिए दोस्तों हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और दोस्तों अब हम इसमें डालेंगे 1 लीटर ठंडा पानी। ठंडा पानी डालकर दोस्तों हमें इसको इस तरह अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे दोस्तों हमारा जो दूध का टेम्परेचर है वो थोड़ा कम गर्म हो जाएगा और हमें दोस्तों दूध को फाड़ने में आसानी रहेगी। उसके बाद दोस्तों हमें इसमें दूध में फाड़ने के लिए हमने इसमें डाला दोस्तों 1 लीटर खट्टा पानी। आप लोग दोस्तों इसे नींबू के पानी या विनेगर या जो पनीर मसाला मार्केट में मिलता है दोस्तों, आप उससे भी इस दूध को आसानी से इस तरह फाड़ सकते हो। सो दोस्तों, इसको खट्टा पानी डालने के बाद दूध को इस तरह अच्छे से धीरे धीरे मिक्स करते रहना है, जिससे दोस्तों हमारा जो दूध है वो अच्छे से फट जाएगा। इस तरह दोस्तों हमें दूध को अच्छे से मिक्स कर लेना है। सो दोस्तों, हमारा जो दूध है वो परफेक्टली अच्छे से फट चुका है। सो दोस्तों, हमारा दूध अच्छे से फट चुका है और दोस्तों ये थोड़ा सा गर्म है, इसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के लिए दोस्तों हम इसमें 1 लीटर पानी और डाल देंगे, जिससे दोस्तों ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। पानी डालने के बाद दोस्तों इस तरह इसको अच्छे से हमें एक बार और मिक्स कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हमें इसे किसी दूसरे बर्तन में निकालना है। बर्तन में निकालने के लिए दोस्तों हमें इस तरह एक अच्छा सा कपड़ा लेना है, जिससे दोस्तों हमारा जो कपड़ा है उसमें आसानी से पानी निकल जाए और हमारा जो छेना है वो हमें अलग रह जाए। उसके बाद दोस्तों हमारा जो छेना है वो सारा इस कपड़े वाले बर्तन के अंदर हमें डाल देना है। सारा छेना दोस्तों हमें सारे कपड़े के अंदर डाल देना है। उसके बाद दोस्तों कपड़े को इस तरह अच्छे से समेट लेना है। कपड़ा दोस्तों ध्यान रखना है, आपको जो है कपड़ा बारीक ही लेना है, ज़्यादा मोटा कपड़ा नहीं लेना है, जिससे दोस्तों हमारा जो छेना है उसका अच्छे से पानी निकल जाना चाहिए। इस तरह दोस्तों छेने को हमें हाथ से दबा लेना है, जिससे दोस्तों हमारा जो छेना है उसका सारा पानी हमें निकाल लेना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर सारे छेना का पानी निकाल लेते हैं। सो दोस्तों, हमने यहाँ पर सारे छेने का अच्छे से पानी निकाल लिया है। अब हम दोस्तों इसको इस बर्तन में निकाल लेंगे। छेने को बर्तन में निकालने के बाद दोस्तों इस तरह अच्छे से हमें छेने को मसल कर स्मूथ कर लेना है। छेने के अंदर दोस्तों हमारे लम्ब्स होते हैं, इसलिए दोस्तों इसको अच्छे से इस तरह मसल लेना है। सो दोस्तों, हमने यहाँ पर छेने को अच्छे से मसल लिया है। अब हम दोस्तों इसकी छोटी छोटी गोलियाँ तैयार कर लेंगे। हम यहाँ पर दोस्तों सारा जो छेना है उसकी छोटी साइज में गोली तैयार कर लेंगे। हमें दोस्तों इसकी जो साइज़ है वो ज़्यादा बड़ी साइज़ नहीं रखनी है, हल्की छोटी साइज ही रखनी है, जिससे दोस्तों हमारा जो चमचम है वो थोड़ा सा चाशनी के अंदर फूलेगा, इसलिए दोस्तों इसकी जो साइज़ है हमारी बराबर हो जाएगी। इस तरह दोस्तों हम इसके सारे का जो है छोटी छोटी गोली तैयार कर लेंगे। सो दोस्तों, हमने यहाँ पर इसकी सारी गोलियाँ तैयार कर ली है। अब हम दोस्तों इसका जो चमचम का शेप है वो इसमें बना देंगे। चमचम का शेप बनाने के लिए इसलिए इसको दोस्तों इस तरह हल्का सा गोल कर लेना है। गोल करके दोस्तों इस तरह इसको लंबा कर लेना है। सेम प्रोसेस दोस्तों, इसको अच्छे से हमें गोल करना है और हल्का सा लंबा कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर सारे चमचम तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ पर सारे चमचम तैयार कर लिए हैं। अब हम दोस्तों यहाँ पर चाशनी तैयार करेंगे। हमने यहाँ पर लिए दोस्तों 2.5 किलो शक्कर और दोस्तों हम इसमें 1.5 लीटर पानी डाल देंगे। इसकी दोस्तों हम अच्छे से हाई फ्लेम पर चाशनी तैयार कर लेंगे। जब तक दोस्तों हमारी वो शक्कर पानी के अंदर अच्छे से घुल नहीं जाती, हमें दोस्तों इस तरह चाशनी को हिलाते रहना है। सो दोस्तों, हमारी जो चाशनी है वो तैयार हो चुकी है। हमारी जो चाशनी है दोस्तों एक तार की है। उसके बाद दोस्तों हमें जो 2 बड़े चम्मच चाशनी है किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेना है। ये चाशनी हमने क्यों निकाली है दोस्तों, वो आप वीडियो में बने रहे हैं, आपको आगे पता चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें चाशनी में डालना है थोड़ा सा अरेटे का पानी। सो देखिए दोस्तों, अरेटे का पानी डालते हैं, हमारी जो चाशनी है वो ऊपर उठ चुकी है, यानी कि दोस्तों हमारी जो चाशनी है उसमें इस तरह झाग बनना शुरू हो गए। उसके बाद दोस्तों हमारे जो सारे चमचम है पीसेस ये दोस्तों वो हमें चाशनी के अंदर डाल देना है और दोस्तों इस तरह इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना है। इन सबको इस तरह अच्छे से मिक्स करने के बाद 7 से 8 मिनट हमें इसको अच्छे से चाशनी के अंदर पका लेना है, जिससे दोस्तों हमारे जो चमचम है उनके अंदर तक चाशनी चली जाएगी और अच्छे से फूलकर हमारे जो चमचम है वो तैयार हो जाएंगे।
इस तरह दोस्तों हमारे जो चमचम है उनको बीच बीच में इस तरह हिलाते रहना है, जिससे दोस्तों हमारे जो चमचम है वो आपस में बीच में चिपकेंगे नहीं। सो दोस्तों हमारे जो चमचम है वो अच्छे से पक चुके हैं। अब हम दोस्तों इनको जो इस तरह एक बार मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद दोस्तों हम इसे पानी डालेंगे, जैसे दोस्तों हलवाई लोग पकाते हैं पानी डाल डाल कर, दोस्तों चमचम हो या रसगुल्ले हो किसी को भी, दोस्तों हलवाई लोग जब इस तरह की बंगाली की रेसिपी बनाते हैं तो दोस्तों वो इसमें पानी डालते हैं और इस तरह इसको अच्छे से पका लेना है। उसी तरह दोस्तों इसके ऊपर इस तरह पानी डालते रहना है और दोस्तों इसको मिक्स करते रहना है। जब दोस्तों ये पक जाता है तो इसकी जो फ्लेम है उसको हमें बंद कर देना है और इसके तरह इस तरह दोस्तों इसको लगातार पानी डालते रहना है। देखिए दोस्तों हमारे जो चमचम है वो चाशनी के ऊपर तैर रहे हैं, जैसे दोस्तों हम इसमें पानी डाल रहे हैं और मिक्स कर रहे हैं हमारे जो चमचम है दोस्तों वो चाशनी के अंदर चले जाएंगे। जब तक दोस्तों आपके चमचम चाशनी के अंदर नहीं चले जाते तो दोस्तों आपको तब तक इसमें इस तरह पानी डालते रहना है और इसको इस तरह मिक्स करते रहना है। जब दोस्तों ये चाशनी के अंदर चले जाते हैं तो हमारे जो चमचम है वो पूरी तरह तैयार हो जाते हैं, चिपकते नहीं है और दोस्तों ये अच्छे से फूल कर हमारे जो चमचम है वो तैयार हो जाते हैं। इस तरह दोस्तों दो दो चम्मच हमें पानी के डालते रहना है, इसको मिक्स करते रहना है। सो देखिए दोस्तों हमारे जो चमचम है वो पानी के अंदर जा चुके हैं। अब हम दोस्तों जो हमने दो बड़े चम्मच चाशनी निकाली थी उसके अंदर दोस्तों हमारे जो सारे चमचम है, हम सारे चमचम को दोस्तों इस चाशनी में निकाल लेंगे और दोस्तों इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। 2 से 3 घंटा दोस्तों इनको अच्छे से हमें ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप लोग चाहे तो दोस्तों इसे फ्रीजर में भी रख सकते हो। सो फाइनली दोस्तों हमारे जो चमचम है वो ठंडे हो चुके हैं। अब हम दोस्तों इनको चाशनी से बाहर किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। हम दोस्तों यहाँ पर सारे जो चमचम है वो किसी बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम दोस्तों इनके ऊपर थोड़ा सा लगा देंगे कोकोनट पाउडर और दोस्तों हमारे जो चमचम की रेसिपी है कम्प्लीटली तैयार हो चुकी है। दोस्तों आप लोग बताना कमेंट करके हमारे जो चमचम की रेसिपी है दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी। और हाँ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी तरह की दोस्तों आप लोग हलवाई वाली वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों उस घंटे वाले बटन को दबा दीजिए ताकि दोस्तों जब भी हम इसी तरह की कोई भी हलवाई वाली वीडियो अपलोड करें तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाएँ।